हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRS टेक रिलेटेड। आज बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 15,000। ओके यार, ये मोबाइल फोन आपकी सारी रिक्वायरमेंट को जो है पूरा करेंगे। आपके लिए डिस्प्ले क्वालिटी बेटर देखने को मिलेगी, कैमरा क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ प्रोसेसर भी आपको एकदम मस्त देखने को मिलेगा और चार्जिंग सपोर्ट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर देखने को मिल सकती है। इस लिस्ट में आपके लिए फुलफिल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखें। यार ये मोबाइल फोन हम आप लोगों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एंड एनालाइज करने के बाद सिलेक्ट करते हैं, इसलिए यार वीडियो को पूरा देख लें। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराना यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारी लिस्ट में फोन रहता है ना, वो रहता है सैमसंग गैलेक्सी F23। यार ये मोबाइल फोन अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट मोबाइल फोन है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। डन, सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल की डिस्प्ले के बारे में। तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको TFT LCD 6.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। साथ ही 82.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। ओके, ओवरऑल मोबाइल फोन की आपको डिस्प्ले डिसेंट देखने को मिल जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको चिपसेट ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिलेगा, जो कि 8nm के साथ आता है 5G प्रोसेसर के साथ, जो कि एंड्रॉयड वर्जन 11 पर बेस्ड है। ओके, जिसकी वजह से आप मोबाइल फोन के अंदर काफी हाई क्वालिटी में गेमिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको मल्टीटास्किंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यार अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के आपको रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 4K+30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्स, जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा। ओके, तो रियर कैमरा भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। वहीं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल का वाइड सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 1080p/30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। ओके यार अब बात कर लेते हैं कार्ड स्लॉट के बारे में, मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड स्लॉट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूजेबल फीचर रहता है। तो यार इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट कार्ड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप 2 सिम और 1 चिप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजेबल फीचर रहता है। ओके, वहीं बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी के बारे में। तो यार इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 25W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। तो यार बैटरी के मामले में भी मोबाइल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगी। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको USB Type-C 2.0 देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मोबाइल फ़ोन का लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, साथ ही साथ मोबाइल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देखने में लगेगी, ये मोबाइल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इस मोबाइल के प्राइस आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही आपको 15,000 देखने को मिलेंगे। तो अंडर 50,000 के अंदर ये मोबाइल फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हैं, बेस्ट रह सकता है आपके लिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर के फ़ोन के बारे में। सेकंड नंबर पर रहता है हमारा पोको X4 प्रो 5G। यार इस मोबाइल फ़ोन का लुक बहुत लोगों को पसंद आया है, साथ ही साथ मोबाइल फोन के अंदर आपको फीचर्स भी जो है एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिलते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको AMOLED 6.67 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 86% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो, जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो यार डिस्प्ले के बारे में यार क्या ही मैं आपको बात करूं, एकदम नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। ओके, साथ ही साथ बात करें मोबाइल फोन के चिपसेट के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695G 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6nm के साथ एंड्रॉयड वर्जन 11 पर बेस्ड है। डन, तो प्रोसेसर भी यार बहुत ज़्यादा आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी हाई क्वालिटी में गेमिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ मल्टीटास्किंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात करें मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, ये मोबाइल फोन आपको जो है ना कैमरे में भी नेक्स्ट लेवल है। इसमें आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, प्लस 64 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। तो यार रियर कैमरा भी आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा, साथ ही इसमें आपको फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 1080p/60fps के अंदर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट से। डन,
बात करते हैं मोबाइल फोन के सिम स्लॉट के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको माइक्रो एचडी एक्सी शेयर्ड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप एक साथ जो है दो सिम यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक एचडी कार्ड यूज कर सकते हैं। डन यार, ये भी काफी अच्छी बात है जो कि एचडी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यार अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 67 वॉट का फास्ट चार्ज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 41 मिनट में आप अपना फोन जो है 100% चार्ज कर सकते हैं। डन, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ मोबाइल फोन के अंदर आपको यूएसबी टाइप सी 2.0 देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मोबाइल में आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यार ये मोबाइल फोन भी आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, तो यार इस मोबाइल फोन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और यार ये मोबाइल फोन भी आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर 15,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। डन, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड नंबर के फोन के बारे में। तो यार थर्ड नंबर पर रहने वाला है Realme 9 5G। स्पेशली Realme अपनी UI की वजह से जाने जाते हैं, बिकॉज यार इस फोन का जो है UI है ही इतना बेटर। ओके, तो यार जानते हैं इस मोबाइल फोन के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप। डन, सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको IPS LCD 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 83.9 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो यार डिस्प्ले आपको डिसेंट देखने को मिलेगी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा आपको नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात करते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको चिपसेट ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 देखने को मिलेगा, जिससे जो कि आपको 6nm के साथ देखने को मिलेगा और एंड्रॉयड वर्जन 11 पर बेस्ड है। डन, बात करते हैं मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा रियर सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 48 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel का डेप्थ लेंस देखने को मिलेगा, जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 1080p 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं आपको फ्रंट साइड में 16 megapixel का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट से। डन, बात करते हैं मोबाइल फोन के सिम स्लॉट के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो है डेडिकेटेड सिम स्लॉट कार्ड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप जो है दो सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजेबल फीचर रह सकता है। वहीं बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में। तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, बहुत ही यूजेबल फीचर रहता है फास्ट चार्जिंग का। डन, बात करते हैं मोबाइल फोन के और फीचर्स के बारे में। तो यार इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, यूएसबी टाइप सी 2.0 देखने को मिल जाएगी, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ इस मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मोबाइल फोन के जो है काफ़ी सारे फीचर जो है नेक्स्ट लेवल देखने को मिलते हैं और अपने प्राइस सेगमेंट में ये मोबाइल भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो यार इस मोबाइल फोन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यार ये मोबाइल फोन भी आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही 15,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी यार तीनों ही फोन एकदम नेक्स्ट लेवल है, आप कोई सा भी परचेस कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। डन, बाकी अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर जाना, अपने दोस्तों में शेयर कर जाना, बेल आइकन को प्रेस कर जाना। डन, बाकी यार मिलते हैं आपसे अगली बार एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।